खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी। गिरिराज जी, जिस तरीके से कल घटनाक्रम कोलकाता में हुआ, ममता बनर्जी धरने पर बैठी हैं, पूरा विपक्ष एक है और कटघरे में खड़ा कर रहा है सरकार, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि विपक्ष क्यों एक है। ये विपक्ष को उस दिन नहीं लगा था क्या नरेंद्र मोदी ने आदेश दिया सीबीआई को? जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो पार्टियां थी, उस समय किसी पार्टी ने कहा कि नरेंद्र मोदी से पूछताछ मत करो? सीबीआई अपना काम कर रही है, कोर्ट के व्यवस्था के अनुरूप कर रही है। ये ममता बनर्जी एनार्किज्म फैला रही हैं और उनके पक्ष में ये सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। इसको मोदी बनाम ममता बना रहे हैं या मोदी बनाम अन्य लोग बना रहे हैं? मैं समझता हूं ये देश का दुर्भाग्य है, संवैधानिक ढांचा तोड़ने की कोशिश हो रही है। ये केवल बंगाल का सवाल नहीं है, भारत के संविधान का सवाल है राजी। लेकिन संवैधानिक संकट का सवाल तो ममता बनर्जी उठा रही हैं, वो धरने पे बैठ के कह रही हैं कि संविधान बचाने के लिए वो बैठी हुई। ये उल्टे चोर कोतवाल को डांटे और चोर चोरी के खिलाफ बोल रहा ममता बनर्जी। रोहिंग्या आए जय जय, बांग्लादेशी घुसपैठी आए जय जय, लेकिन भारत का एक संवैधानिक व्यवस्था वो भी कोर्ट के इशारे पर वहां ना जाए, यही तो मामला है। और उल्टे धरना पर बैठती हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या। आखिरी सवाल ये कि जिस तरीके से जो संवैधानिक संकट का सवाल आप कह रहे हैं, क्या केंद्र सरकार अपने पास जो विकल्प हैं उसके पास वो एक्सरसाइज करेगा? ये देश जो मैं नहीं जानता क्या करेगा, लेकिन जो हालात उत्पन्न हुए हैं ये हालात तो जंगल राज की ओर ले जा रही हैं ममता बनर्जी। वहां एनार्किज्म, जंगल राज, मैं समझता हूं ये हालात इतने बुरे हो गए हैं कि संविधान ही खतरे में है। राष्ट्रपति शासन के लिए भी संभावना देख रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं कि वहां संवैधानिक व्यवस्था टूट गई है, इसलिए वहां तो कुछ दिखाई नहीं, वहां तो लग रहा है जंगल राज। अब जंगल राज हो जाए तो कौन सा कानून होगा, आप समझते हैं? ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।